पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 15 दिन की पैरोल समाप्त होने के बाद एक बार फिर छोटी सरकार सलाखों के पीछे चले गए हैं। गौरतलब है कि 15 दिन के पैरोल पर अनंत सिंह जेल से बाहर आए हुए थे। 19 तारीख को 19 मई की देर रात उनकी पैरोल समाप्त हो गई और वापस वो पटना के ब्योर जेल में चले गए हैं। लेकिन जेल जाने से पहले अपने समर्थकों से बड़ा वादा करते हुए नजर आए अनंत सिंह। फेसबुक पर पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने समर्थकों से वादा किया है कि वो जल्द ही वापस लौट कर आएंगे। आपको बताते चले कि उन्हें 15 दिन की पैरोल मिली थी, जिसके बाद अनंत सिंह 5 मई को जेल से बाहर आए थे। प्रॉपर्टी में बंटवारे कराए जाने का हवाला दिया था। इसी आधार पर राज्य के गृह विभाग ने उन्हें पैरोल पर जेल से बाहर आने की इजाजत दी थी, जो 19 मई की रात पूरी हो गई। पैरोल का समय पूरा होने के कारण वो वापस जेल पहुंचे। तो वही जेल जाने से पहले अनंत सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। आप समस्त जनता मालिक समर्थकों से वादा है कि बहुत जल्द लौटेंगे। आपको बता दें कि अनंत सिंह के वकील सुनील सिंह ने कहा है कि 20 मई को उन्हें जेल प्रशासन के पास पहुंचना था, उन्हें खुद समर्पण करना था। पैरोल के तहत वापसी का एक समय तय होता है। जेल प्रशासन के अनुसार हर दिन सुबह 5 बजे कैदियों की गिनती होती है। अनंत सिंह को उसके पहले पहुंचना था, वो देर रात ही जेल पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि 2022 में 1 महीने के अंतराल पर अनंत सिंह को पटना की कोर्ट के तरफ से 2 अलग-अलग केस में 10-10 साल की सजा मिल चुकी है। 21 जून 2022 स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे की इसी कोर्ट ने बाढ़ में गांव वाले घर से बरामद हथियार AK-47 के केस में अनंत सिंह को 10 साल की ही सजा दी थी। इसी सजा के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई थी। विधानसभा से उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। इसके ठीक पहले 1 महीना बाद 21 जुलाई 2022 को पटना के सचिवालय थाना में दर्ज 2015 के केस में भी उन्हें 10 साल की सजा दी गई थी। यह केस सरकारी आवास से अत्याधुनिक हथियार इंसंस का 6 खाली मैगजीन और 1 बुलेटप्रूफ जैकेट की बरामदगी का था, जिसमें 7 साल बाद उन्हें सजा मिली थी। वैसे अनंत सिंह बीमार भी रहते हैं, उन्हें किडनी की बीमारी है। वो काफ़ी समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके बाद अनंत सिंह के बेहतर इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उन्हें ब्योर जेल से IGMS में एडमिट कराया गया था। हालांकि वो अब खतरे से बाहर है। अनंत सिंह 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा होने लगी थी कि ललन सिंह की डुबती नैया को पार लगाने के लिए अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला गया है। 13 मई को मुंगेर में मतदान हुआ, जिसमें यह कहा गया कि अनंत सिंह का काफ़ी अहम रोल है। ललन सिंह की नैया पार कराने के लिए अनंत सिंह को बाहर निकाला गया। हालांकि अनंत सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो अपने पुश्तैनी जमीन के बंटवारे करवाने के लिए वो जेल से बाहर आए हैं। अब अनंत सिंह की जो पैरोल थी 15 दिन की, अब वो समाप्त हो चुकी है। वापस से वो सलाखों के पीछे गए हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने समर्थकों से वादा किया है कि वो जल्द ही वापस लौट के आएंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।